मरतबा 1924 के अंदर मिट्टी प्ले ग्राउंड में सीरत नबी पर जलसा हो रहा था। कायद मिलत सीरत नबी बयान कर रहे थे। वक्त के बादशाह मीर उस्मान अली खान साहब जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाए। हजारों का मजमुआ बैठा हुआ था। काबिले तवज्जो बात है इलिया साहब के मजमुआ बैठा हुआ था। सरजमीन लखन का मुसलमान हजरत रिवायत गुलामाना ज़हनियत कहां मिल रहा। अब ये बेचैन था कि उठकर हम साथ सलाम फर्सी सलाम में उस्मान अली खान को करें या फिर कायद मिल्लत की सीरत नबी पर बयान हो रही तकरीर को सुने। मजमे पर सख्ता तारी हो गया। कायद मिल्लत ने मजमे के नफ्स को देखा और गौर फिक्र किया और देखा कि मजमुआ बेचैन है तो वक्त के बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, ए मोहम्मद अरबी के तख्त नशीब ताजपोश गुलाम, आ मैं तुझे बताऊं शहंशाह कौनैन की नजर में अंदाज़े मुल्क के क्या। मजमुआ परेशान हो गया, सकते में आ गया कि अरे नवाब जादे ने बादशाह को क्या कहकर मुखातिब कर दिया और गुलाम कह दिया। बादशाह भी वक्त का काबिल तरीन शख्स था। मीर उस्मान अली खान दानिशवर बादशाह था। उसने मुस्कुराया और जलसे पे स्टेज पर आकर बैठा और कहा, नवाब जादे तकरीर को जारी रखिए। दूसरे दिन बहादुर यारगंज के खिताब से नवाज आपको नवाजा गया। तो ये हमारी सरजमीन दखन की तारीख है कि ऐसे कायदीन हमारे दरमियान में पैदा हुए हैं। तो ऐसे कायदीन हमारी माओ को चाहिए कि अपनी कोखों से और अपने गोदों में पैदा करके परवरिश करें ताकि मिल्लत का और इस्लाम का सरबुलंदी के लिए मुल्क के सरबुलंदी के लिए काम कर सकें। आज बल्दी इंतखाबात में आपका बहुत अहम रोल होगा क्योंकि हम अब दौरे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जहाँ गैरों के इलाके हैं वहाँ सीसी रोड है, बीजी रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, पानी की लाइन है, लाइट है, प्लेग्राउंड है, पार्क है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ ये समझिए कि रोडों सड़कें टूटी है, मोरियों का पानी बह रहा हो, नल के टूटियाँ टूटे हुए हों, गलियाँ अंधेरे हों, तो समझ जाइए कि ये मुसलमानों की बस्ती शुरू हो रही है। ये हमारी मैंने सदर मोहतरम के साथ तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बिहार का दौरा किया और हमने तमाम ऐसे बस्तियों को देखा कि मुसलमानों की बस्ती हो रही है। एक साजिश के तहत एक कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया। अगर हमारा बंदिया का रुकन आएगा तो बंदिया पर हमारा कब्जा होगा तो इंशाल्लाह गुलबर्ग की हर जमीन सरजमीन को सजाया जाएगा। और हमारी बच्चों को रोशन किया जाएगा। सड़कें होगी, ड्रेनेज की लाइन होगी, पानी की लाइन आएगी, अर्बन हेल्थ सेंटर्स कायम किए जाएंगे। जहाँ मौजम खान साहब का इलाका है, बहादुरपुरा वहाँ पालम रोड एक इलाका है जहाँ सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है। 100 की तादाद में हमारी खवातीन और बच्चे आकर वहाँ इलाज करवाते हैं। हर इलाके के अंदर बस्ती दवाखाना है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर बच्चों को टीका दिया जाता है, जहाँ पर बीपी शुगर चेक किया जाता है, जहाँ पर थायराइड का इलाज किया जाता है, जहाँ मुफ्त दवाएं दी जाती है। आपके इलाकों के अंदर भी ऐसे इलियास शेख साहब की निगरानी में हेल्थ सेंटर डाले जाएंगे, मेडिकल कैंप किए जाएंगे, खवातीन के लिए दवाखाने खुलवाए जाएंगे, मासूम बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, पार्क और प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। ये सारा फंड बंदिया के अंदर मौजूद होता है लेकिन लड़के हासिल करना पड़ता है। अगर हमारा उम्मीदवार वहाँ पर होगा तो हम यकीनन वहाँ से हासिल करेंगे। अभी एक आदिर भाई कोई बता रहे थे यहीं पर कि एक इलाके में वार्ड पर इलियास शेख साहब गए और वहाँ पर बोरवेल की ख्वाहिश की जा रही थी। अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अभी पोलिंग नहीं हुई, अभी हमारे उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुए, लेकिन आपने अपने जाती सरमाए से वहाँ पर बोरिंग का काम शुरू करवा दिया, पानी उन लोगों को, बस्ती के लोगों को मिलेगा। इंशाल्लाह ये काम हम हुकूमत से करवाएंगे, बंदिया से करवाएंगे, डर कर आपके बच्चों के अंदर हम काम करवाएंगे। हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप 3 सितंबर को मलिश इत्तेहाद मुस्लिमीन को तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। इनका इम्तियाज निशान पतंग है और इलियास शेख साहब के लिए ये इलेक्शन रेफरेंडम है। अगर बंदिया में जितने मजबूत उम्मीदवार होकर आएंगे हमारे विधानसभा के लिए उतना इलेक्शन आसान होगा। आप यकीन जानिए कांग्रेस वालों, तुमको उम्मीदवार नहीं मिलेगा इलियास शेख साहब के मुकाबले।
सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन होगा जो गुलबर्ग नाथ से मुकाबला करेगा। ये चीज आप पैदा कर सकते हैं, ये आज आपके हाथ में है, ये 3 सितंबर तक आपके हाथ में है, आपको ये काम करना है। इसी के साथ सर्वप्रधान अपील करता हूँ कि 3 सितंबर को भारी अक्सर इस उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, इजाज शेख साहब को, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।